हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे और मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में व्यस्त होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से कि लोन लेकर के फेरी या कोई काम धंधा बिजनेस स्टार्ट करें कि नहीं करें, और गाड़ी जो है ना लोन पर लेकर के काम करें कि नहीं करें। क्योंकि कुछ भाइयों का कमेंट आ रहा था कि लोन पर गाड़ी लेकर या लोन लेकर बिजनेस करें कि नहीं करें, तो मैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंस के हिसाब से आप लोगों को मैं बताऊंगा। तो चलिए, अगर आप लोग लोन लेकर के काम करना स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप लोग वीडियो में लास्ट वक्त तक ज़रूर बने रहिएगा। तो दोस्तों, बहुत सारे भाई जो है ना कहीं पर काम धंधा करते होंगे, नौकरी करते होंगे, लेकिन उनके मन में बहुत दिनों से या वीडियो देख करके या किसी से मोटिवेट होकर के लगले जो है ना तुरंत मन हुआ कि हम काम स्टार्ट करेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे, तो लोन लेने की सोचते हैं, ज़्यादा लोन लेने की सोचते हैं। ज़्यादा लोन लेंगे और बाहर से माल लाएंगे ताकि बाहर में सस्ता पड़ता है, तो बाहर से माल लाएंगे और सेल करेंगे और गाड़ी पर लोन पर गाड़ी ले लेंगे। अच्छा से बिजनेस होगा और खूब ज़्यादा इनकम होगा। तो दोस्तों, ये फर्स्ट टाइम आप काम कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम फेरी वाला काम कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हमारे हिसाब से गलत ट्रैक पर जा रहे हैं। क्योंकि हमारे 3 साल तक का एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों, आप शुरुआत कर रहे हैं तो शुरुआत में आपको कुछ नॉलेज नहीं है और कभी बिजनेस किए नहीं है, या किए भी हैं तो थोड़ा बहुत किए हैं, नॉलेज उतना नहीं है। तो आप शुरुआत कर रहे हैं काम का नया पहली बार, तो सबसे पहले आप छोटा अमाउंट से स्टार्ट कीजिए और ज़्यादा लोन लेने के चक्कर में मत रहिए। आपके पास जितना रुपया है उतना ही से स्टार्ट कर दीजिए। अगर नहीं है तो 10,000 से 15,000 इतना रुपया अमाउंट किसी से कर्ज़ा ले लीजिए और स्टार्ट कर दीजिए। और शुरुआत में जो है ना दोस्तों, आप बाहर से माल मत लाइए, आप अपने लोकल शहर में ही, हर शहर में होलसेल का दुकान रहता ही है, तो वहाँ से आप माल ला सकते हैं। वो पता कैसे चलेगा? तो दोस्तों, आपके आसपास में, अपने गांव, आपके गांव में, इलाका में, टोला मोहल्ला में बहुत सारे फेरी वाला आता होगा। तो आप किस चीज़ का फेरी करना चाहते हैं, किसी भी चीज़ का आप फेरी कर सकते हैं। मेरे अनुभव से किसी भी चीज़ का आप फेरी कर सकते हैं। हर बिजनेस में हर फेरी वाले इनकम करते हैं, हर फेरी वाला का कमाई होता है, चाहे कोई भी फेरी वाला हो। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा किस चीज़ का हमको फेरी करना है, उसी टाइप के फेरी वाला से आप पता लगाएंगे कि आप कहाँ से माल लाते हैं, कहाँ पे होलसेलर में सामान मिलता है। बहुत सारे भाई तो नहीं बताते हैं कि पता इनको हो जाएगा तो ये माल लग के आएगा तो हमारा कस्टमर बढ़ जाएगा, इसके वजह से नहीं बताते हैं। लेकिन कोई ऐसा होगा जो बता देगा, 3-4 आदमी से, 5-7 आदमी से जब आपको करने का इच्छा होगा, आपके अंदर आत्मविश्वास होगा और खुद पर विश्वास होगा और आपको करना ही है, तो आप कैसे भी पता लगा ही लेंगे कि कहाँ से माल लाता है। लोगों से, फेरी वाला से पूछेंगे तो कोई ना कोई तो बता ही देगा कि कहाँ से माल लाता है, होलसेलर मार्केट कहाँ पे है। तो वहाँ से आप जो है ना शुरुआत में लोकल टाउन में से ही माल लाइए, बेचिए, 10-15 हज़ार से ही स्टार्ट कीजिए। और शुरुआत में ही जो है ना बाइक से काम स्टार्ट करने की मत सोचिए, क्योंकि दोस्तों शुरुआत में आपको ज़्यादा अनुभव नहीं रहेगा तो इनकम भी ज़्यादा होने की संभावना कम ही रहेगा। क्योंकि दोस्तों, आपको अनुभव नहीं है, आप गाड़ी से करेंगे तो गाड़ी में आप लोन लेके गाड़ी लेंगे, दूसरी बात उसमें तेल डाल के रनिंग करेंगे, उसके बाद में फिर सर्विसिंग चार्ज और EMI जो किस्त बोलते हैं, किस्त भरना, बहुत तरह का टेंशन रहेगा। और दोस्तों, मैंने अनुभव किया है कि जो सेल, जिस तरह से कस्टमर से बात करना, जिस तरह से इनकम होता है बिना लोन में, बिना प्रेशर के, जब आप लोन लिए रहेंगे, ज़्यादा कर्जा रहेगा तो ज़्यादा दबाव में रहेगा, तो आप सही से कस्टमर से बात भी नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से सेल भी अच्छा नहीं होगा और इनकम भी अच्छा नहीं होगा। आप दबाव में रहेंगे, आपके ऊपर तो पैसा चढ़ रहेगा कि जल्दी से हमको पैसा देना है, उसको देना है, उसको देना है। लोन चुकाने के चक्कर में आप ज़्यादा प्रेशर में रहेंगे तो सही से बात नहीं करेंगे तो सही सेल नहीं होगा। और वहीं पे आप प्रेशर में नहीं है, लोन नहीं है आपके पास में, तो आप जो है ना
किसी तरह के दबाव में नहीं है, तो आप पूरा फ्री माइंड के साथ आप काम करेंगे, कस्टमर से अच्छा से बात भी करेंगे, इनकम भी ज़्यादा होगा और सेल भी ज़्यादा होगा। तो इसलिए दोस्तों फ्री माइंड के साथ काम कीजिए, बिना लोन लिए ज़्यादा प्रेशर लिए थोड़ा सा अमाउंट से ज़ीरो से स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे 10-15 हज़ार से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि रेडीमेड से ही स्टार्ट करें तो अच्छा रहेगा। मेरे अनुभव से, मैं रेडीमेड का करता तो मैं वही बताऊँगा, रेडीमेड में थोड़ा सा अमाउंट से ही हो जाता है, ऐसे भी कोई भी काम है ना तो 5,000-10,000 से स्टार्ट हो जाता है। तो आप जीरो से स्टार्ट कीजिएगा, धीरे धीरे उसी पूँजी को जो है ना बढ़ाते बढ़ाते 5,000-10,000-15,000-20,000-50,000-1,00,000 कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और जब ज़्यादा रुपया हो जाएगा, ज़्यादा अमाउंट हो जाएगा, पूँजी ज़्यादा हो जाएगा, तो आप गाड़ी से कीजिए या साइकिल से कीजिए या आपकी मर्ज़ी जैसा मन है वैसा कीजिए, या आप 2-4 लेबर खटवा भी सकते हैं या दुकान भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। क्योंकि दोस्तों शुरुआत में आपको नॉलेज नहीं रहेगा तो ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे तो 6 महीना साल भर में आपको पूँजी भी हो जाएगा, आपके पास एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, और आप जहाँ से आपका होगा वहाँ से माल ला सकते हैं, बाहर से ला सकते हैं या लोकल शहर से ला सकते हैं, अपने नज़दीकी शहर से। क्योंकि दोस्तों 6 महीना साल भर जब काम करेंगे तो आपको अनुभव हो जाएगा कौन सा कपड़ा कितने का यहाँ पे मिलता है, उसी के हिसाब से जब वहाँ बाहर से माल लाने जाएंगे तो वहाँ से भी आपको कपड़ा का परख रहेगा कि कौन सा कपड़ा वहाँ पे कितना मिलता है, वही कपड़ा यहाँ पे कितना मिलता है, तो वहाँ से ला सकते हैं। लेकिन अभी शुरुआत में भी आप बाहर से माल लाएगा तो वहाँ से ज़्यादा रुपया भी लगेगा, और दूसरा बात कि आपको नए हैं तो बाहर से माल लाएंगे तो आपको कपड़ा का परख नहीं रहेगा, एक ही डिज़ाइन एक ही कलर का क्वालिटी अलग अलग रहता है। तो जो एगो एग्जांपल देते हैं, जो कपड़ा 50 रुपया का है उसी कलर में उसी डिज़ाइन में, तो उसी अलग क्वालिटी का वही डिज़ाइन वही कलर में आ जाता है 80-90 रुपये तक। तो आप शुरुआत में अगर बाहर से माल लाते हैं तो आपको लो क्वालिटी वाला ज़्यादा रेंज में वहाँ दे देगा, तो वहाँ पर जो ख़रीदारी है वो उससे कम ही रेट यहाँ पर लगाएगा कस्टमर, तो आप कहेंगे कि ठगा गया, पूँजी ज़्यादा लग गया। तो यही होता है शुरुआत में। अब बहुत सारे भाई जो है ना फेरी में हमको भेटाते भी रहते हैं, तो कहते हैं कि जो माल वहाँ से लाया हूँ उससे कम ही रेट यहाँ पे कस्टमर लगाता है। तो यही होता है, क्वालिटी चेंज कर देता है। और वहाँ पे आप तो नए रहेंगे, बात करने के आवाज़ से ही आपको दुकान वाले पता चल जाएगा दुकान वाले को कि ये नए हैं, तो आपको जैसा का तैसा माल ठांस देगा, धर धरा माल भी ठांस देगा। और आपको आएंगे यहाँ पे तो कटा फटा भी निकलेगा, ज़्यादा रेट भी लगा दिया रहेगा, तो इसके वजह से आपका पूंजी फंस जाएगा। और वहीं पे अब शुरुआत में लोकल शहर से नज़दीकी शहर से थोड़ा अमाउंट से स्टार्ट करते हैं तो धीरे धीरे पूंजी ज़्यादा हो जाएगा, तो तब जाएंगे वहाँ पे बाहर में माल लाने, जैसे बंगाल हो गया, यूपी हो गया, या गुजरात हो गया, या कहीं से बाहर से माल लाने जाएगा तो आपको कपड़े का परख हो गया रहेगा, तो आप ठगाएंगे नहीं, क्योंकि आप 6 महीना साल भर काम कर लिए हैं तो आपको अनुभव हो गया, एक्सपीरियंस हो गया है, तो आप ठगा नहीं पाएंगे, तो पूंजी डूबने का भी संभावना रहेगा। ऐसे भी पूंजी नहीं डूबता है लेकिन घाटा लगने का चांस ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि कपड़ा है सड़ने वाला आइटम थोड़ी है। तो इसलिए दोस्तों जब शुरुआत कर रहे हैं तो छोटा अमाउंट से कीजिए, ज़्यादा लोन लेने की आवश्यकता नहीं है शुरुआत में, और इस तरह से शुरुआत कर सकते हैं। और पता लगाइए, लोकल शहर में जाइए और दुकानदार से डायरेक्ट बात कीजिए कि भैया हमको माल दीजिए, कौन कौन आइटम बेचना है, मैं नया हूँ, उनको डायरेक्ट बता दीजिए कि मैं नया हूँ, आप बता दीजिए सही से, आप अपने हिसाब से माल दीजिए। इस तरह से आप दुकानदार से बात कर सकते हैं पूरा क्लियर, बोलिए कि जो चालू माल है, जो ज़्यादा बिकता है वो सेल कीजिए, वो माल दीजिए, और पूरा बिना डरे हुए बात कीजिए। और उनसे यही बात कर लीजिए कि मैं ले जा रहा हूँ, अगर मुझसे नहीं चल पाएगा तो मैं वापस आ करके फिर एक कपड़ा छोड़ करके और दूसरा लेकर जाऊँगा, मतलब ऐसे करके आप बात कर सकते हैं तो सही रहेगा शुरुआत में ही, क्योंकि कटा फटा भी निकल जाता है किसी किसी नया नया कपड़ा में। तो आप पहले से बात किए रहेंगे तो आप ज़्यादा फटा रहेगा तो वापस करके दूसरा ले सकते हैं, तो हो जाता है, सब कर देता है। कोई ऐसा ग्राहक, कोई ऐसा मतलब दुकानदार नहीं है कि वो कहेगा कि नहीं कटा हुआ वापस नहीं करेंगे, कटा हुआ सब वापस कर देते हैं, फटा हुआ जाता है वो सब में नहीं रहता है, कोई कोई जो है ना 10 को 12 को के बंडल देता है उसमें एक पीस निकल जाता है, कोनो कोनो में सब में नहीं निकलता है। तो आप पहले से ही सब कुछ बात उत करके उसके बाद में वहाँ से माल ला सकते हैं, बिना डरे हुए निफिक्र जाइएगा, माल लेकर आइएगा और बेचिएगा,
थोड़ा सा अमाउंट से शुरू कीजिए और आगे बढ़िए, तरक्की कीजिए, शुरुआत कीजिए, शुरुआत कीजिए, शुरुआत कीजिए, लेकिन ज़्यादा लोन लेकर नहीं, थोड़ा सा जीरो से स्टार्ट कीजिए। आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमारा कमेंट कीजिए, अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल सुबह एक और नई वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।